Hello my dear viewers, myself Anowar Hussain Barbhuiya, welcome you to my channel AHB Physics. So this will be the lecture number 9 on current electricity, and today in this class we are going to study Kirchhoff's laws in current electricity. So actually these rules were given by Gustav Robert Kirchhoff, the name of scientist. So in short we call it as Kirchhoff's rules, Kirchhoff K-I-R-C-H-H-O-F-F-S rules. So इसको हम लोग किर्चॉफ भी बोलते हैं, कर्चॉफ भी बोलते हैं. सो व्हाट एवर यू से द स्पेलिंग इज के आई आर सी डबल एच और डबल एफ एस रूल्स. सो ये जो कर्चॉफ रूल्स है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स टू फाइंड द करेंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट्स. दैट इज कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, वी हैव टू गो फॉर कर्चॉफ रूल्स. नाउ वी हैव ओम्स लॉ टू रिलेट पोटेंशियल डिफरेंस करेंट एंड वोल्टेज सॉरी potential difference in current, that is V equal to IR, then why there is use in using the Kirchhoff's rules. Now see, Kirchhoff's rules can be used in solving the complex electrical circuits. Always remember one thing, Ohm's law is valid for a circuit which has single loop or which can be resolved to a single loop. Means agar hum log ek pura circuit ko तोड़ के एक सिंगल लूप में ला सकते हैं तब जाके हम लोग ओम्स लॉ को यूज कर सकते हैं. और कर्चॉफ्स लॉ जो है ये हम लोग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज कर सकते हैं. जैसे जैसे आप इस रूल को पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा व्हाट डज कर्चॉफ्स रूल इज. नाउ कर्चॉफ स्टेटेड टू रूल्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी कॉल दिस एज कर्चॉफ्स रूल्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो द फर्स्ट रूल इज Kirchhoff's current law. We call it as Kirchhoff's current law. In short, we call it as KCL, or we call it as junction rule. J-U-N-C-T-I-O-N, junction rule. और इसको हम लोग Kirchhoff's first law भी कह सकते हैं. तो इसका तीन नाम है, Kirchhoff's करंट लॉ, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज KCL, जंक्शन रूल, और इट इज Kirchhoff's फर्स्ट रूल. सो आपका जो एग्जाम है बेसिकली यहाँ पे आता है स्टेट Kirchhoff's करंट लॉ, स्टेट Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. तो पहले आप स्टेटमेंट को समझ लीजिए. व्हाट इज द स्टेटमेंट? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ करंट्स entering a junction, it states that the sum of currents entering a junction must be equal to the sum of currents leaving the junction. So what is Kirchhoff's current law? It states that the sum of currents entering a junction must be equal to the sum of currents leaving the junction. Junction का मतलब कुछ नहीं है, it is a point or it is a circuit. Sorry, it is a point in the circuit at which more than two branches meet. तो एक point मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से कोई एक मान लीजिए कोई एक resistor है, यहाँ से current आ रहा है. आ रहा है जा रहा है बाद में हम लोग देख लेंगे. मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई और एक पाथ है, यहाँ पे कोई और एक रेसिस्टर है, यहाँ पे कोई और एक रेसिस्टर है. तो यहाँ पे हम लोगों ने चार रेसिस्टर ड्रॉ किए सिंपली, और इन चारों को हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, से इट इज ए बी सी डी ई. तो यहाँ पे कौन सा चीज नोड है? ये जो पॉइंट बी है ये नोड है. ये नोड क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे एक दो तीन चार जो ब्रांच आके मीट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज अ नोड. सो यहाँ पे जो नोड है या फिर जंक्शन है, नोड या फिर जंक्शन, इनका मीनिंग सेम है. ये कौन सा नोड है? इट इज पॉइंट बी इज अ नोड. पॉइंट बी इज अ नोड. नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं पॉइंट बी में कोई एक करंट आ रहा है,
ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर मैं बोलता हूँ करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये चार पाथ है, इधर से करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, हो सकता है, इज इट पॉसिबल? तो सिंपली करंट कैनॉट बी एकोमोडेटेड और करंट कैनॉट बी एक्यूमुलेटेड टू ए पॉइंट। इसका मतलब अगर ऐसा होगा तो करंट इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो सारे आके यहाँ पे जमा होगा, तो करंट एक जगह पे जमा नहीं हो सकता है। तो कैसा हो सकता है, मान लीजिए इन तीन रास्ते से आ रहा है, एक रास्ते से कम जाना पड़ेगा, ठीक है? तो कोई एक नोड जो है, नोड बनने के लिए उसमें कम से कम एक आना और एक जाना जरूरी है, कम से कम एक आना और एक जाना जरूरी है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, सी ये किरचॉफ रूल जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझो, नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। अब मैंने कैसे ड्रॉ किया है कि ये नोड में एक करंट एंटर हो रहा है, एक दो तीन जा रहा है, सो इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। एक आ रहा है, ये दो तीन आ रहा है, एक जा रहा है, इट इज पॉसिबल। अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि एक पॉइंट पे तीन सब आ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? सारे आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अब इस पॉइंट पे सारे जा रहा है, इज इट पॉसिबल? सारे बाहर जा रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, सारे करंट बाहर जा रहा है, इज इट पॉसिबल? इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कि करंट ही नहीं आ रहा है तो जाएगा कैसे, ठीक है? तो ये लॉजिक है, ठीक है? किरचॉफ्स लॉ को, किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल करने का ये लॉजिक्स है, ठीक है? इसको फिर यहाँ पे नहीं लिखना, नहीं तो ये खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है? आपको समझाता हूँ कुछ चीज तो समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं होता। तो नोड आप समझ गए कि जिस पॉइंट पे एक से ज्यादा ब्रांच आके मीट होता है उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही नोड है, कौन सा नोड है, पॉइंट बी जो है, ये एक नोड है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से कोई एक करंट जा रहा है, सपोज दैट करंट इज आई वन, यहां से कुछ एक करंट आ रहा है, से दैट करंट इज आई टू, यहां से कुछ करंट बाहर जा रहा है, से दैट करंट इज आई थ्री, यहां से भी करंट बाहर जा रहा है, से दैट करंट इज आई फोर। तो हमने आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले लिया। अब हमें पता है कम से कम एक आना और एक जाना जरूरी है, तो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जा रहा है, हो गया। अब ये भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब दो आ रहा है, दो जा रहा है, सो ये पॉइंट जो है केसीएल के हिसाब से ये करेक्ट है। नाउ आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है सीधा, अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी, अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी, वी हैव नोड बी में अगर हम लोग केसीएल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग, तो करंट क्या क्या एंटर हो रहा है, आई वन और आई टू एंटर हो रहे हैं, सो आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, सो इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग, कौन कौन सा करंट जा रहा है, आई थ्री और आई फोर, सो इट इज आई थ्री प्लस आई फोर, ठीक है? अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देते तो हमें क्या मिलेगा, I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द सम ऑफ करेंट्स, दिस इज द टोटल करंट, और यू कैन से द अल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए नोड और ए जंक्शन इन ए सर्किट इज 0। अल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए नोड और जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसका स्टेटमेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक, तो यहाँ पे कुछ लोग गलत लिखते हैं, ए एल जी बी आर आई सी लिखते नहीं है, एल्जेब्रिक आर ए आई सी, एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए नोड, नोड को हम लोग जंक्शन भी बोलते थे, एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए नोड और जंक्शन इन ए सर्किट इज 0। तो किसी एक सर्किट पे, किसी एक नोड पे जो करंट्स मीट होता है उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, जो एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव है, जो एंटर हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो बाहर जा रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। एंटरिंग पॉजिटिव भी है, बाहर जाने वाला नेगेटिव भी है। इसको उल्टा भी तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर कोई ऐसे लिखते हैं गलत है क्या, आई थ्री प्लस आई फोर माइनस I1 minus I2 equal to 0 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है,
जो बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव है और जो अंदर आ रहा है वो निगेटिव है, तो दोनों दोनों डायरेक्शन करेक्ट है, इधर करंट अंदर आ रहा है पॉजिटिव बाहर जा रहा है निगेटिव, या फिर अंदर आ रहा है निगेटिव बाहर जा रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अंदर जाने का अगर पॉजिटिव लेते हैं बाहर वाला निगेटिव होगा, अगर अंदर जाने वाला निगेटिव लेंगे तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज योर केसीएल स्टेटमेंट और एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोगों ने समझ लिया, अभी इसको कॉपी कर सकते। सो कर्चॉफ जो है दो रूल दिया, पहला रूल को हम लोग बोलते हैं कर्चॉफ करंट लॉ, सेकंड जो रूल है उसको कहा जाता है कर्चॉफ वोल्टेज लॉ। कर्चॉफ वोल्टेज लॉ इसको कहा जाता है केवीएल इन शॉर्ट फॉर्म केवीएल, इसको लूप रूल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कर्चॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, इसको कर्चॉफ सेकंड लॉ भी कहा जाता है। तो पहला रूल क्या है, कर्चॉफ करंट लॉ, इसको हम केसीएल बोलते हैं या फिर नोड लॉ बोलते हैं या फिर जंक्शन रूल बोलते हैं या फिर उसको कर्चॉफ करंट कर्चॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्चॉफ सेकंड लॉ, कर्चॉफ वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of algebraic sum of difference in potentials it states that the algebraic sum of difference in potentials around any closed loop involving cells and resistors must be equal to zero. So it states that the algebraic sum of changes in potentials, difference in potentials se acha hai, changes in potentials. Algebraic sum of changes in potentials around any closed loop involving cells and resistors must be equal to zero. मैं इस रूल को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दूंगा, ये आपको हमेशा यूज होगा, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं लिखना है, आपको हमेशा याद रखना है। इफ यू कंसिडर दैट वी हैव अ रेजिस्टर, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसके अंदर से कोई एक करंट गुजरता है, सपोज दैट करंट इज आई। अगर हम करंट के डायरेक्शन पे जाते हैं, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी हैव टू टेक इट एज नेगेटिव, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी इक्वल टू आई आर, तो हमें ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई रेजिस्टर है, यही रेजिस्टर मान लो दैट रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, इसके अंदर करंट जा रहा है से आई, अगर हम करंट के उल्टा मूव करते हैं, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, इसका उल्टा भी लिया जा सकता है, वो भी करेक्ट है, तो जो डायरेक्शन में ले रहा हूँ इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और हमेशा इसको याद रखना, अगर हम करंट के डायरेक्शन पे जाते हैं तो ये क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव, और अगर हम करंट के उल्टा डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक सेल है, मान लो ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ ई है, अगर हम सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में मूव करेंगे, किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नाउ तीन आपको दिख रहा है,
नीचे वाला दिखेगा, दिख जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सेल है तो वही सेल है, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, तो हम ईएमएफ को क्या लेंगे, प्लस ई। ठीक है, दिख रहा है। सो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते तो क्या होगा, माइनस ई, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा, प्लस। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है किरचॉफ्स लॉ यूज करने में। सो वी आर कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, वी हैव अ सर्किट, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसमें यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे कोई एक रेसिस्टर है, यहाँ पे कोई और एक बैटरी है, यहाँ पे कोई एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टर है, यहाँ पे कोई बैटरी है और यहाँ पे और एक रेजिस्टर है। ठीक है, Now see, अगर मैं बोलता हूँ इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका EMF E3 है, इसका EMF E4 है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R4 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने लूप्स है, लूप का मतलब क्या है, क्लोज्ड लूप, इसको क्या कहा जाता है, लूप रूल। लूप रूल का मतलब क्या है, क्लोज्ड लूप है। मान लीजिए अगर मैं ऐसा सर्किट कंसीडर करता हूं, ऐसे इसमें लूप कितने हैं, एक दो और एक लूप बनता है, पूरा मिलके भी एक लूप बनेगा। ठीक है, तो लूप का कॉन्सेप्ट और आगे जाके धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने क्लोज सर्किट है, एक ही क्लोज सर्किट है, इसका मतलब एक ही लूप है। तो इसको कुछ मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, ये पॉइंट का नाम है सी और ये पॉइंट का नाम क्या है, डी है। Now I will assume some direction. मुझे क्या करना है, I have to assume some direction. अब मुझे यहाँ पे really नहीं पता है कि करंट किधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप डायरेक्शन लेंगे वो डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल डायरेक्शन लेना है। अगर मान लीजिए सर्किट का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और आपने ऐसे ले लिया, तो सर्किट का अगर करंट ऐसे जा रहा है और आपने ऐसा ले लिया, तो आपका करंट जो होगा वो माइनस होगा, बस इतना ही होगा, माइनस होने से कोई गलत नहीं है। So we can assume any direction. हम ऐसा एक डायरेक्शन एज्यूम कर रहे कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। नाउ यहाँ पे मैंने करंट का डायरेक्शन कैसा ले लिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी पे केवीएल अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए तक जाएंगे तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसी को ही लूप रूल कहा जाता है। वी हैव, हमने क्या पढ़ा, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इस सर्किट के अंदर सेल है और रेजिस्टर है, चार सेल है, चार रेजिस्टर है, इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस लूप का, उसका नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वही क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो मैं ए से बी में जब जाऊंगा तो किधर जा रहा हूं, ए से बी, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट है। ओके, अब पहले हम बैटरी का देखेंगे, पहले हमें क्या मिलेगा, बैटरी, ये देखिए बैटरी। अगर बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, किधर आ रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। तो इसका मतलब इस सेल का जो ई एम एफ होगा E1, ये क्या होगा, प्लस होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी हम लोग किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जब जाते हैं रजिस्टर में क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए इस सर्किट पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज आई, तो यहाँ पे हर जगह पे करंट वही फ्लो होगा, दैट इज आई। तो करंट इज आई और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, सो इट विल बी IR1। ठीक है, अब मैं B से लेके C तक जाऊंगा, तो पहले मुझे ये सेल मिलेगा। नाउ इधर अभी अगर मैं B से C की तरफ जाता हूँ तो मैं किधर जा रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने से क्या लेना है, माइनस। तो इसका मतलब इस सेल का EMF क्या होगा, माइनस E4। नेक्स्ट, मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ रजिस्टर पे, तो रजिस्टर पे इन द डायरेक्शन जाने से क्या होता है, माइनस। रजिस्टर पे इन द डायरेक्शन जाने से क्या होता है, माइनस। सो इट इज माइनस आई, रेजिस्टेंस इज R4। फिर मैं सी से डी जाऊंगा, पहले मुझे सेल मिलेगा,
सेल का अभी किधर जाऊंगा, पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव, सो सेल का पॉजिटिव टू निगेटिव जाने से क्या होता है, माइनस, सो इट इज माइनस, पॉजिटिव टू निगेटिव जाने से माइनस। इसका करंट, इसका ईएमएफ कितना है, E3, सो इट इज E3। अब मैं किधर जाऊंगा, इस रेजिस्टर के इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये क्या होगा माइनस, सो इट इज माइनस, करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज R3। अब मैं डी से लेके ए तक जाऊंगा, पहले मैं सेल में जाऊंगा, सेल का क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने से क्या होता है प्लस, सेल का ईएमएफ कितना है E2। अब मैं किधर जा रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा माइनस, तो इट इज माइनस आई R2 एंड पूरा इज इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा। यही आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। कहानी समझ में आया नहीं है, आप लोग बाद में कॉपी करेंगे क्या करेंगे पता नहीं। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने से ईएमएफ क्या लिया जाता है प्लस, समझ में आया। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, इसको यूज करके यहाँ पे इस्तेमाल करना है। रजिस्टर पे अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो माइनस होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन जाने से प्लस होता है। बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने से माइनस होता है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने से, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने से क्या होता है प्लस होता है। क्लियर? तो ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स को अगर आप ऐड कर दोगे दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स इन अ लूप इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टर्स इज इक्वल टू 0। यही आपका किरचॉफ्स करंट लॉ है और वोल्टेज लॉ है। नाउ कॉपी इसको, इसको कॉपी कर लीजिए। Now I will use simple problems to make you understand Kirchhoff's current law and voltage law. क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स शोन इन फिगर। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे जितना भी रेसिस्टर है उन सारे रेसिस्टर के ऊपर से करंट कितना गुजरेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको एक चीज आइडेंटिफाई हो जाएगा, नोड्स, यहाँ पे नोड्स कितने हैं, ये नोड है नहीं है, ये नोड है, ये एक नोड है, क्यों, 1 2 3 मीट हो रहा है तो 2 से ज्यादा होने से नोड है, ये 1 2 3 इसका मतलब ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, 1 2 3 ये भी एक नोड है, 1 2 3 मीट हो रहा है तो 2 से ज्यादा होने से नोड है। मान लीजिए इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका रेजिस्टेंस R4 है, इसका रेजिस्टेंस R5 है, R6 है, R7 है, R8 है, कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर से कुछ करंट जा रहा है, ये करंट है 15 एम्पियर, ठीक है, और इधर से कुछ करंट एंटर हो रहा है, ये करंट है 3 एम्पियर, इधर से कुछ करंट जा रहा है वो है 8 एम्पियर, और इधर से कुछ करंट आ रहा है, से दैट करंट इज 5 एम्पियर, ठीक है, बस इतना दिया हुआ है। इसका मतलब R1 के ऊपर करंट कितना फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर, तो ये दिया हुआ है, R3 के ऊपर करंट कितना है 3 एम्पियर है, वो भी दिया हुआ है,
R4 के ऊपर कितना है 8 एम्पियर दिया हुआ है और R7 के ऊपर से कितना करंट जा रहा है 5 एम्पियर वो दिया हुआ है, तो चार रेजिस्टर का करंट दिया हुआ है और 1, 2, 3, 4 रेजिस्टर का आपको क्या करना है करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यूजिंग KCL। इमेजिन कीजिए ना इसको रजिस्टर ड्रॉ करने से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, करूँ रजिस्टर दे दिए तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा सर्किट अभी नहीं कर रहा है, ठीक है इस तरह है। तो इधर से कुछ करंट जा रहा है, वो करंट कितना है 15 एम्पियर। अब इमेजिन कीजिए ये करंट जब यहां पे जाएगा, इधर से एक करंट इधर जा रहा है कितना है 8 एम्पियर। तो इमेजिन कीजिए यहां पे एक नोड है, इस नोड पे इधर से करंट आ रहा है 15 एम्पियर और इधर से करंट जा रहा है 8 एम्पियर। यहां पे और एक पाथ है, ये इसमें करंट आएगा या जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे इधर से 15 एम्पियर अंदर जा रहा है इधर, अब इधर से और आता मान लीजिए 3 एम्पियर, तो इधर से 15 आया और 3 आया, 15 प्लस 3 इधर से कितना होना चाहिए था, इधर से 18 होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ से ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे अगर आएगा तो ऐड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कम है, इसका मतलब ये किया होगा इधर से जाएगा, ये आएगा नहीं इधर से जाएगा, ठीक है। अब कितना जाएगा, इधर से 15 आया 8 इधर चला गया, इसका मतलब इधर से कितना जाएगा 7 एम्पियर जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपको डायरेक्शन कैसे अज्यूम करना है देख के। तो इधर से 15 आया इधर 8 चला गया, इसका मतलब इधर से करंट कितना जाएगा, इधर से जाएगा 7 एम्पियर, ठीक है। अब इसके अंदर से करंट आता है 3 एम्पियर। इमेजिन कीजिए इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ये नोड ए है, ये नोड बी है, इस नोड का नाम सी है, इसका नाम सी है से और इसका नाम डी है, नाम दे दिया मैंने। चार नोड कितने हैं, चार है। तो नोड ए का हम लोग ने एनालिसिस कर लिया। अब नोड बी का आप एक बार देखिए, नोड बी का यहाँ है तो ये नोड बी है, यहाँ पे एक करंट आ रहा है इधर से, ये करंट इधर से कितना आ रहा है 7 एम्पियर आ रहा है। अब नोड बी में और एक करंट भी एंटर हो रहा है इधर से, ये करंट कितना है 3 एम्पियर है। अब नोड बी से एक ही रास्ता बचा हुआ है ये, तो यहां से दो करंट ऑलरेडी अंदर आ रहा है, तो ये अंदर आ सकता है, ये अंदर नहीं आ सकता क्योंकि आएगा तो यहाँ पे जमा होगा और करंट एक जगह पे जमा नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस रास्ते से जाना ही पड़ेगा, क्लियर। इसका मतलब इधर से क्या होगा, जाएगा, क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जाएगा। कितना जाएगा, सम ऑफ करंट एंटरिंग कितना है 7 प्लस 3, तो टोटल कितना है 10 एम्पियर। तो इसका मतलब इधर से करंट कितना जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। तो नोड बी का आपने एनालिसिस कर लिया। फिर आप देखिए नोड सी का, नोड सी मेरा कहाँ पे, नोड सी में नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अननोन है, नोड डी में आ जाइए। नोड डी में देखिए इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर। तो नोड डी मेरा कहाँ है, यहाँ है, दिस इज नोड डी, ये मेरा नोड डी है। इसके ऊपर इधर से कुछ करंट आ रहा है, वो करंट कितना आ रहा है 8 एम्पियर और इधर से जा रहा है, इधर से कितना जा रहा है 5 एम्पियर, रास्ता एक इधर है। नाउ सी इधर से अगर आता, इधर से अगर मान लीजिए करंट आता है और 2 एम्पियर, तो 8 प्लस 2 10 इधर जाना चाहिए, इसका मतलब इधर से आ नहीं सकता है, करंट क्या करना पड़ेगा, इधर से जाना ही पड़ेगा। तो करंट कितना जाएगा, 8 एम्पियर इधर आया था, 5 इधर चला गया, इसका मतलब इधर से करंट कितना जाएगा 3 एम्पियर, क्लियर। इसका मतलब इधर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा और इसका करंट कितना होगा 3 एम्पियर। अब चले जाते हैं नोड सी में, नोड सी कहाँ है, यहाँ है, ये नोड सी है, इसके ऊपर एक करंट आ रहा है, इधर से एक करंट एंटर हो रहा है, वो करंट कितना है 3 एम्पियर है। दूसरा एक ब्रांच इधर है, इधर से करंट आ रहा है, वो करंट कितना है 10 एम्पियर आ रहा है। अब बचा एक ही ब्रांच, इस ब्रांच में, अब इस ब्रांच में करंट कैसा होगा, इधर जा सकता है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से भी आएगा तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ये करंट इधर नहीं जाएगा, ये करंट नीचे ही आएगा, इन दोनों का सम बन के क्या होगा, नीचे जाएगा। तो इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 10 एम्पियर आया, टोटल मिलके 13 एम्पियर हुआ,
इधर से 3, इधर से 10, टोटल कितना है? टोटल इज 13 एम्पियर, और ये 13 एम्पियर किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब नीचे की तरफ कितना है? 13 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कहानी समझ में आया कैसे केसीएल यूज करना है? और कुछ चाहिए? या तो नाम दे दिया था तो नाम भी दे दो, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। कॉपी कर लीजिए। KCL का और एक सिंपल एप्लीकेशन लेते हैं। एक कर लिए, यह मान लो दूसरा है। फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर शोन बिलो। तो मैं आपको एक सर्किट दे रहा हूँ, इस सर्किट से आपको 12 ओम जो रेजिस्टर है उसके ऊपर से करंट कितना होगा वो आपको निकालना है। से ये एक रेजिस्टर है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक रेजिस्टर है, इधर एक रेजिस्टर है, इधर एक रेजिस्टर है, ठीक है। तो टोटल 3 रेजिस्टर है। मान लीजिए ये 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है 15 वोल्ट, ठीक है। ये 12 ओम रेजिस्टर है, ये 4 ओम रेजिस्टर है, ये 6 ओम रेजिस्टर है, और ये मान लो 8 ओम रेजिस्टर है, ठीक है, 8 ओम रेजिस्टर है। सोच लो, कर सकते हो? इसको कैसे करना है? इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट। आपको क्या करना है? करंट निकालना है थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। ये जो 12 ओम रेजिस्टर है इसके ऊपर करंट कितना होगा वो आपको निकालना है। तो ऐसे सोल्व करने के लिए सबसे पहला चीज आपको इमेजिन करना है कि कौन सा पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये 15 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। तो बेसिकली इससे करंट जाएगा, करंट क्या होगा, इधर से जाएगा। अगर कोई इसमें ऐसा ले लेता है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि करंट अगर ऐसा ले लेगा तो निगेटिव में आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप निगेटिव लेके भी चेक कर सकते हो। पहले मैं आपको सोल्व करा दे रहा हूँ, आप निगेटिव लेके चेक करना, आपको निगेटिव में आंसर आएगा। तो इसका मतलब इस सर्किट को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? ये मेरा रजिस्टर है, यहाँ पे नोड्स कितने हैं? यहाँ पे ये नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये ही एक नोड है। तो यहाँ पे हमें एक ही नोड मिलेगा, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और ये 4 वोल्ट है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम रेजिस्टर है, ये 12 ओम रेजिस्टर है, ये क्या है, 15 वोल्ट है, ठीक है। अब ये जो एक पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है। सो हाउ मेनी नोड्स आर देयर, 1 नोड। तो जिस जो नोड है उसमें हम लोग केसीएल यूज कर सकते हैं। कैसे केसीएल यूज कर सकते हैं? इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो मान लीजिए इधर से कुछ करंट आता है, ठीक है। तो हमारा अभी जो नोड है कैसा है, ऐसा है, ठीक है। नहीं, ये नोड है पॉइंट पी, या यहां से मैं मान लेता कोई एक करंट आ रहा है, सपोज दैट करंट इज आई, मेरा मर्जी है, मैंने नाम दिया आई। अब इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर जाएगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ आई वन,
इसका नाम दे देता हूँ आई टू और इसका नाम दे देता हूँ आई थ्री, ठीक है। आई आया था, आई वन आई टू आई थ्री मिलके ऐसे निकल के गया, तो इधर से करंट आता है आई, इधर क्या है आई वन है, इधर क्या है आई टू है, और इधर कितना है, इधर से करंट कितना आ रहा है आई थ्री, दिख रहा है। सो दिस इज अवर पॉइंट पी। सपोज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज, सपोज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज V, then by applying KCL we have, applying KCL we have, तो point P का potential हम लोगों ने मान लिया V, now we can use KCL, what will be KCL? KCL is sum of current entering, entering क्या है I, must be equal to sum of current leaving, इसका मतलब I1 plus I2 plus I3, current entering is I is equal to sum of current leaving, इसका मतलब I1 plus I2 plus I3, तो आपको समझने के लिए इसको मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है। Now अगर मैं बोलता हूँ I, what is Ohm's law? Ohm's law is V is equal to IR, इसका मतलब what is current? Current I is equal to V by R, तो इसका मतलब I का मतलब क्या है? I का मतलब current इधर कितना flow हो रहा है, इधर का जो पोटेंशियल हो, इस इधर का जो करंट होगा, करंट क्या है I है, I इज इक्वल टू क्या होगा, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इधर से इधर जा रहा है करंट, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब ये 15 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये 15 है, ये इसका पोटेंशियल कितना है V, इसका मतलब हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसका मतलब 15 माइनस V होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 15 माइनस V, तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज 15 माइनस बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब इधर का रेजिस्टेंस कितना है 12 है, सो डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू आई वन, आई वन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी है, माइनस वी है और इसका माइनस कितना होगा ये 2, सो वी माइनस 2 डिवाइडेड बाय इधर का रेजिस्टेंस कितना है 6 है डिवाइडेड बाय 6 प्लस I2, I2 किधर से जा रहा है, इधर से इधर, इसका मतलब ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं V माइनस 3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 4 है प्लस, अब I3 के जगह पे लिखेंगे, I3 क्या है इधर जा रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब किधर जा रहा है इधर, इधर ज्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V है, सो V माइनस इसका पोटेंशियल कितना है 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज 8, सो व्हाट विल बी, इट इज 15 माइनस V डिवाइडेड बाय 12 विल बी इक्वल टू कैल्शियम कितना होगा, so its calcium is 24, kitna hoga, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, सबको आता है ना, अब इसको कॉपी कर लीजिए, इसको सोल्व कीजिए, आपको पॉइंट पी का पोटेंशियल निकल जाएगा, सो इट इज 15 माइनस बी, 15 minus V divided by 1 will be equal to 4 plus 6, 10 plus 3, 13 V minus 4 plus 6 plus 3, 13 V minus 38 minus 38 divided by 12, इसको मैंने निकाल दिया, तो इधर कितना होगा 2 होगा, तो इसका मतलब it is 30 minus 2 V is equal to कितना है 13V minus 38, इसका मतलब
15B is equal to 68. इसका मतलब V is equal to 68/15 volt. So point P का जो potential है, इस potential at point P जो है वो कितना है? 68/15 volt. ठीक है? तो point P का potential हमें निकल गया. अब हमें क्या करना है? Current निकालना है. Current through 12 ohm resistor. 12 ohm resistor के ऊपर current कौन सा flow हो रहा है? 12 ohm resistor के ऊपर current flow हो रहा है I. And what will be this I? I will be equal to, इधर देखिए, ये है हमारा 12 ohm resistor, ठीक है? ये point है P, ये point है, इसका 15 volt है, और इस point का potential कितना है? इस point का potential है, अभी हमने calculate किया 68/15 volt, ठीक है? और इसके अंदर करंट जा रहा है I, ये resistance कितना है? 12 ohm है, इसका मतलब I को क्या लिख सकते हैं? I is equal to V. V, V का मतलब potential difference. Potential difference कितना होगा? 15 minus 68 by 15 divided by V by R. What is R? R is 12. So, इससे आपको निकल जाएगा. Current through 12 ohm resistor. निकालिए. Current through 12 ohm resistor is 15 minus that 68 by 15 this divided by resistance is 12. So current nikalenge it will be in ampere. So it is 15 225 minus 68 divided by 180. So this will be the current in ampere. So I will be equal to 12 ohm resistor is 157/180 ampere. So this is the current through 12 ohm resistor. ठीक है? So ये था हमारा simple application of Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law का application जो है हम लोग आगे का numerical classes में करेंगे. ठीक है? बहुत सारे numericals करेंगे. So यहाँ पे एक section खत्म हो गया. इसके आगे एक और section है. इसको हम लोग बोलते हैं electrical measurements. Electrical measurements पे आपका आता है Wheatstone bridge, meter bridge and potentiometer. So in coming class we'll meet with Wheatstone bridge and meter bridge, and in the next class we'll do potentiometer. ठीक है? Till then आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए. आप जो है थ्योरी पार्ट से इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर देंगे और दो क्लास में, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कम से कम फाइव क्लासेस. आपका अच्छी तरीके से थ्योरी आना चाहिए सो एज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ठीक है? थैंक यू. बाय बाय.